मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। वैसे तो साल में 12 संक्रांति आती हैं, लेकिन मकर संक्रांति को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है और इस दिन सूर्य के उत्तरायण होने का समय भी होता है, क्योंकि सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य का उत्तरायण हो जाता है, जिस वजह से किन 9 राशियों को इस बार शुभ योग बन रहा है। जिन 9 राशियों के लिए दो तरह के योग बन रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन से योग बन रहे हैं, जिस वजह से इन किन 9 राशियों को विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है, या फिर उन्हें किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, या फिर उन्हें किस लाभ की प्राप्ति होगी, क्या उनके जीवन में नया आने वाला है, या फिर क्या उन्हें देखने को मिलेगा, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति कब है, दान का क्या महत्व है और वो 9 राशियां कौन सी हैं। मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। इस बार मकर संक्रांति 14 नहीं 15 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि 14 जनवरी की देर रात 2:21 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। इस कारण सूर्योदय व्यापनी तिथि में यह त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। इस साल मकर संक्रांति पर सूर्य और बुध का एक साथ होने से बुधादित्य योग बन रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होने से वर्धमान नाम का भी एक शुभ योग और बन रहा है, जिस वजह से इन 2 योग से उन 9 राशियों को विशेष लाभ और सफलता की प्राप्ति देखने को मिल सकती है, या फिर कहें कि सूर्य की तरह उनका जो भाग्य है वो चमक सकता है। अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है। मकर संक्रांति का विशेष महत्व है और इस दिन सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं। जब सूर्य देव मकर से मिथुन राशि तक भ्रमण करते हैं तब उत्तरायण होते हैं। जब कर्क से धनु राशि तक सूर्य के रहने पर दक्षिणायन होता है। मकर संक्रांति से देवताओं के दिन और दैत्यों की रात शुरू हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य, घर में विवाह, गृह प्रवेश या फिर यज्ञ करना, कोई मूर्ति की प्रतिष्ठा करना, ये सब मकर संक्रांति के बाद ही शुरू किया जाता है। अब बात करते हैं कि दान का क्या महत्व है। 15 जनवरी 2020 विशेष पुण्य काल 8:14 से सूर्यास्त तक रहेगा और पुण्य काल के समय तीर्थ स्नान, दान, जाप, हवन, तुलादान, गोदान, स्वर्ण दान का विशेष महत्व है। गरीबों में कंबल, ब्राह्मणों को खिचड़ी और तिल दान करने का विशेष इस दिन महत्व बताया गया है। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। शुभ फल की देवी देवता हमें जो शुभ फल है वो प्रदान करते हैं। स्नान के पूर्व पूरे शरीर पर तिल का उपटन लगाकर स्नान करने से आरोग्य में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कि किन वो 9 राशियां हैं जिन पर इनका प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। उन्हें कुछ विशेष धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखी जा सकती है। किसी व्यवसाय में उनको कोई बड़ा लाभ हो सकता है, या फिर लॉटरी से अच्छी प्राप्ति हो सकती है, शेयर बाज़ार, सट्टा, जुए, इन सब चीज़ों से भी उनको लाभ के जो योग हैं वो बन रहे हैं। मेष राशि वालों को विशेषकर धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के कार्य सिद्धि से फायदा होगा।
विशेषकर वृषभ राशि वालों को उनके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। किसी भी तरीके की जो कार्य में वो हाथ डालेंगे, जो भी कार्य वो करना चाहेंगे उनमें उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति देखने को मिलेगी। हर कार्य में उन्हें सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में उनके काम को सराहा जाएगा और कार्य क्षेत्र में उन्हें उन्नति के भी अवसर मिल सकते हैं, या फिर जो नौकरी करते हैं उन्हें उन्नति मिल सकती है, या फिर उनका स्थानांतरण भी हो सकता है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को विशेषकर विजयी होंगे, वो हर क्षेत्र में विजयी जो है होने वाले हैं, उनको हर क्षेत्र में जीत मिलने वाली है, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय हो। खासकर जो राजनीति में इस समय कदम रखने वाले हैं या फिर ऑलरेडी राजनेता हैं, उन्हें इस समय विशेष प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जीत हासिल हो सकती है, कुछ ऐसा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं अपने करियर की ओर जो आपके करियर को एक नई दिशा दे सकता है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं है, उन्हें आर्थिक हानि होने की संभावना है, उनके लिए समय आर्थिक हानि वाला रहने वाला है, उन्हें नुकसान हो सकता है या पैसे का नुकसान हो सकता है, उनका खर्च जो है बढ़ सकता है, उन्हें अपने खर्चों पे कंट्रोल लगाना चाहिए। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है अपने जीवन साथी से, अपनी संतान से, या फिर अपने कार्य क्षेत्र में। उन्हें घर में खुशियों का माहौल रहेगा, पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा और उनके जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसा शुभ समाचार उन्हें मिलेगा जिसकी वजह से उनको मानसिक शांति होगी और उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को सेटिस्फेक्शन होगी अपने काम से, बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहने वाले हैं, चाहे उनका धन है, चाहे उनका कार्य है, कार्य क्षेत्र है, परिवार है, हर तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नज़र आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, किसी तरीके की उनको परेशानी नहीं होने वाली है, कार्य में आ रही बाधाएं उनकी दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को भी धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेन देन के लिए समय काफ़ी अच्छा है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा है, और अगर उन्होंने किसी को पैसा दे रखा है, कर्ज दिया हुआ है, तो उस समय वापसी के भी योग बन रहे हैं, किसी आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है, या फिर अगर आप लेन देन का कार्य करते हैं उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि आपके लिए समय जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाए, क्योंकि इस समय आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य में बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को कलह और विवाद के कारण परेशान होना पड़ सकता है, कि घर में ऐसी स्थिति बन सकती है वाद विवाद की, कलह की स्थिति बन सकती है, या फिर उनके कार्य क्षेत्र में आपको कहीं भी कोई भी तरह का विवाद दिखे तो आपको उससे बचना चाहिए, किसी भी तरीके के विवाद में न फंसें और किसी भी तरीके के आपको बहस से बचना चाहिए। अगर आप बहस करेंगे तो कलह बढ़ने की ही वो वजह बनेगा, आपके बीच में जो कलह है वो बढ़ जाएगा, इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी आपको इतना आपके अंदर जो है मानसिक शांति होनी चाहिए, या फिर कहूँ कि आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न न हो। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के ज्ञान में वृद्धि होगी, उनके सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि होगी, वो एक अच्छे डिसीजन मेकर बन पाएंगे और उनके जीवन में उनके इस समय लिया गया कोई भी निर्णय उनके जीवन में अच्छा लाभ उन्हें पहुंचा सकता है और इस लाभ से उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, या फिर उनका अपना पर्सनल जीवन हो, उसमें भी उनको लाभ के योग बन सकते हैं। अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान की वृद्धि से वो इन सब का फायदा जो है उठा सकते हैं। अगली राशि है मकर राशि।
मकर राशि वालों की यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी समाज में मान प्रतिष्ठा से। उनकी जो मान प्रतिष्ठा है वो समाज में देखते ही बनेगी, उनके मान सम्मान में, सामाजिक दृष्टि में उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, उन्हें एक नया यश और कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है, उन्हें हर क्षेत्र में सफलता के योग जो हैं वो बन रहे हैं, उन्हें कोई ऐसा विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है जो उनकी खुशियों के जीवन में खुशियों की लहर को दौड़ा देगा। अगली बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, उनके कार्य क्षेत्र में उनके काम की सराहना की जाएगी और वहाँ उनका मान सम्मान बढ़ेगा, उनका पद भी बढ़ सकता है। व्यवसाय वालों के लिए समाज में उनके ऑपोजिट्स हैं जो यही व्यवसाय करते हैं, उनकी जो प्रतिष्ठा है वहाँ बढ़ती हुई नज़र आएगी। दाम्पत्य जीवन के लिए समय काफ़ी अच्छा रहना है, परिवार में आपकी मान सम्मान की वृद्धि होगी और आपका जो रोब है वो देखते ही बनेगा, आपकी जो काम की है वो सराहना की जाएगी और आप काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से संतुष्ट रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले थोड़े से भय से ग्रस्त रह सकते हैं, थोड़ा सा किसी बात का डर उन्हें सता सकता है जिस वजह से वो उनका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। किसी भी तरीके का डर उनके जो मानसिक तनाव है उसे घेर सकता है, उनको मानसिक दबाव की स्थिति वो महसूस कर सकते हैं जिसकी वजह से इसका असर उनके शरीर पर भी पड़ सकता है। तो ये थी वो 9 राशियाँ। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को छोड़कर बाकी सभी 9 राशियों को विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को काफ़ी संभल कर चलने की ज़रूरत है, उन्हें कोई विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है उनके लिए समय अच्छा रहेगा, उन्हें कुछ प्राप्ति होगी और कुछ नहीं होगी, उनके लिए समय थोड़ा सा संभल कर चलने वाला होगा। बाकी 9 राशियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। किन्हीं दो योग जो मैंने आपको 2 योग बताए हैं उन 2 योग की वजह से उन्हें ये सफलता मिलने वाली है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।